रहना आप अगर अच्छा जीवन जीना चाहते हो। देखिए बच्चों, अब ये जो हमने एप्लीकेशंस किए अब हैमिल्टोनियन से करने हैं। लैग्रेंजियन हमने पूरा बता दिया था ऑनलाइन क्लासेस में, तुम लोग पढ़ लेना, जाके अभी मैं भेज दूंगा। अब वही चीजें हमें हैमिल्टोनियन से निकालनी है। हाँ दिया थे, बेटा पीछे पड़ गया तो उसने डांस क्लास दिलवा दी, उसे भी सीखना था। फिर उसके बाद हमने डिस्टर्ब होता तो फिर हमने कहा भैया रहने दो, बड़ी मुश्किल से उसे भगाया, वो छोड़े ना। वो ये समझता था ये टीचर हैं सीधे साधे। देखिए अब इसके एप्लीकेशन है, एप्लीकेशंस ऑफ हैमिल्टोनियन, एप्लीकेशन ऑफ हैमिल्टोनियन, ठीक है। ये हैमिल्टोनियन, ये थर्ड लेसन के, अब ये कुछ आगे पीछे हो गया, ये यूनिट थर्ड के हैं तुम्हारे। डम्बल इनके स्टैंडर्ड में नहीं आता, वो तुम्हें ही बताएंगे, लेसन थर्ड में है, यूनिट थर्ड में है तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे लिए ही है डम्बल, इन लोगों के लिए स्टैंडर्ड में नहीं। इसमें एप्लीकेशन है एक लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये हैमिल्टोनियन से हम बताएंगे। दूसरा है पार्टिकल पार्टिकल मूविंग नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। Near the surface of earth. तीसरा particle in a central field of force. Central field of force. ये हो गया। तीन हो गए एप्लीकेशन। कंपाउंड पेंडुलम भी है, कंपाउंड पेंडुलम है, ठीक। सिंपल पेंडुलम है, ये क्रम हम ये रखेंगे, गलत लिख गए हम, आगे पीछे हो गया। सिंपल पेंडुलम ये हम पहले नंबर पे करेंगे, उल्टा कर लो एक, फिर ये एक नंबर पे ही करा था, ठीक है, ये दो नंबर पे करेंगे, फिर ये तीन पे करेंगे, फिर ये चार पे करेंगे, फिर ये पांच पे, ठीक है, क्रम ये रहेगा, ठीक है। शुरुआत हम लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर से करेंगे,
फिर सिंपल पेंडुलम करेंगे, फिर कंपाउंड पेंडुलम करेंगे, फिर ये। तो ये तुम्हारी बच्चों थर्ड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। कॉलेज में कैसे चल रहा है मिड टर्म एग्जाम के अकॉर्डिंग बताओ? नहीं, पीपीएन में हो ना, पता कर लेना कि किस तरह चल रहा है, तो उस आधार पे भी करना पड़ेगा। देखिए, पहला है लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये हार हैमिल्टोनियन से है, अब देखिए एक पार्टिकल है जो SHM एग्जीक्यूट कर रहा है मिनिमम टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू मिनिमम, अपोजिट डायरेक्शन मिनिमम टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू मिनिमम। ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज नोन एज लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। अभी तुम लोगों का ये इसका जैसे ही होगा तो पूरा रिवीजन करेंगे, तो फिर क्लासिकल मतलब संडे को 2-2.5 घंटे क्लास लगाएंगे, एक संडे रिवीजन कर देंगे पूरा, फिर से इन लोगों को भी पढ़ा देंगे, और एक संडे 2 संडे में पूरा रिवीजन कर देंगे, तब तुम क्लासिकल में मजबूत हो जाओगे। इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स है टी टाइम, तो अब सभी बच्चे याद कर लो, ए पार्टिकल और बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM इज नोन एज हार्मोनिक ऑसिलेटर। तुम BSc थर्ड ईयर में हो, स्टूडेंट कहला रही हो, ये MSc में है, ये भी स्टूडेंट कहला रहा है, सुमित कुमार भी MSc में स्टूडेंट, तो एक कॉमन नेम हुआ ना, चाहे अब कोई छोटा बच्चा भी हम ले लें उसे भी स्टूडेंट ही तो कहेंगे, ठीक है। तो चाहे बड़ा हो या छोटा हो, हर बच्चा चाहे बड़ी क्लास में हो या छोटी क्लास में, हर बच्चे को हम स्टूडेंट नाम दे सकते हैं ना, वैसे ही है कि जो भी SHM करेगा वो हार्मोनिक ऑसिलेटर कहलाएगा, जो डैम्ड करेगा उसे क्या कहोगे? अरे यार, डैम्ड करेगा डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, जो फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेशन करेगा वो ड्राइवन ऑसिलेटर। ये तो नाम याद रखो, जरूरत बाइबा में तो कभी भी पूछ सकते हैं ना कुछ भी। तो एक पार्टिकल है SHM कर रहा है, या बॉडी है SHM कर रही है, तो हम उसे कहेंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर। डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन करती है तो डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेशन करती है तो ड्राइवन ऑसिलेटर। जैसे एग्जांपल है, आप सभी को मैंने स्टूडेंट नाम दिया, अब सुमित कुमार बैंक में हो गए, बैंक के लिए टीचर हो गए, ठीक है। अगर इंटर कॉलेज को पढ़ाएंगे तो टीचर कहलाएंगे, डिग्री कॉलेज को पढ़ाएंगे तो प्रोफेसर साहब कहलाएंगे, है ना। तो इनका नाम है देखो कि टीचर ही बनना है, अब MSc जो कर रहा है वो भी टीचर ही बनना है। तो आप इंटर कॉलेज में जाओगे तो टीचर कहलाओगे, और डिग्री कॉलेज में जाओगे तो प्रोफेसर कहलाओगे, ठीक है। वही है यहां पर, जो SHM करेगा वो हार्मोनिक ऑसिलेटर, जो डैम्ड करेगा डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, जो फोर्स करेगा वो ड्राइवन ऑसिलेटर, ड्राइवन ऑसिलेटर। नाम याद रखो, कभी भी काम आ सकता है। लिख दें क्या ऊपर? ए पार्टिकल और बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM, ए पार्टिकल और बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM, SHM का मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। एग्जीक्यूटिंग SHM इज नोन एज हार्मोनिक ऑसिलेटर, इज नोन एज हार्मोनिक
ए पार्टिकल और बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM इज नोन एज हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, एक पार्टिकल है या बॉडी है, SHM एग्जीक्यूट कर रही है, तो उसे क्या कहते हैं? हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स है टी टाइम में, तो इसकी इसकी आपकी काइनेटिक एनर्जी टी की वैल्यू हाफ एमवी स्क्वायर, टी की वैल्यू हाफ एमवी स्क्वायर, हाफ एमवी स्क्वायर। ठीक है, टी की वैल्यू हाफ एमवी स्क्वायर। अब वी, अब और पार्टिकल का मास एम है, मास है ये। अब ये हम बना देते हैं, कंफ्यूज ना करना, एम मास है, इसका मास एम। अब ने एम से मल्टीप्लाई किया, एम से डिवाइड किया। सुमित कुमार ऊपर से इंक ले आओ जरा, ये वाली मार्कर वाली। तो टी बराबर एम बी का होल स्क्वायर अपॉन टी बराबर पी स्क्वायर अपॉन। ये हो गया बच्चों लीनियर मोमेंटम, टी बराबर पी स्क्वायर अपॉन टू। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी वी की वैल्यू हाफ के एक्स स्क्वायर। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर बताया था, वी बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी, तुम लोग प्रैक्टिस कम कर रहे हो, अब लग जाओ बिल्कुल। V बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, V बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। V बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। अब हैमिल्टोनियन एच, हैमिल्टोनियन एच टी प्लस बी, हैमिल्टोनियन एच टी प्लस बी। टी की वैल्यू है पी स्क्वायर अपॉन टू एम, और इसकी वैल्यू है हाफ के एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू है हाफ के एक्स स्क्वायर। अब देखो हैमिल्टोनियन इक्वेशन है, हैमिल्टोनियन इक्वेशन है, हैमिल्टोनियन इक्वेशन क्या है? हैमिल्टोनियन की इक्वेशन pj डॉट बराबर डेवर h अपॉन डेवर qj है कि नहीं? pj डॉट बराबर, और एक ये एक इक्वेशन ये है, तो आप इसे pj डॉट की जगह P डॉट कर लो, डेवर एच अपॉन डेवर एक्स, मतलब पीजे की जगह आप P कर लीजिए, क्यूजे की जगह आप X कर लीजिए, क्यूजे की जगह आप X कर लीजिए।
पीजे की जगह पी डॉट और इसकी जगह एक्स। अब आ गया आपका पी डॉट डेवर एच अपॉन डेवर एक्स, पी डॉट एच को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, पी स्क्वायर अपॉन टू एम हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस में ये छूट गया, ठीक है। अब ये याद रखना, बहुत सरल तरीका बता दिया है। पी का मान एम बी, पी का मान एम बी या पी का मान एम एक्स डॉट, एम एक्स डॉट, ठीक है, एम एक्स डॉट, ठीक है, पी का मान एम एक्स डॉट, एम एक्स डॉट है, ठीक है। अब इसे डिफरेंशिएट कर दो, डी पी अपॉन डी टी, डी वाई डी टी ऑफ एम एक्स डॉट, डी वाई डी टी ऑफ एम एक्स डॉट, ये पी डॉट एम बाहर एक्स डबल डॉट, एम एक्स डबल डॉट। अब एक बार और बता दें, तुम लोगों की कौन सी यूनिट का टेस्ट ले लें, क्यों ले लें पहली यूनिट में, हमें लेना है वो। यहाँ पे किस चीज का टेस्ट है, हैमिल्टोनियन, वो पढ़ा दिया हमने, एक बार भेज देंगे फिर से। हाँ मिड टर्म हो तो अच्छा परफॉर्म कर देना, हम फोन भी कर देंगे तुम्हें, 24-23-24 नंबर देंगे, अब नवंबर में लेंगे, दिसंबर के एंड तक होगा या जनवरी के फर्स्ट वीक में। देखिए लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, लीनियर इसलिए क्योंकि एक्स ले रहे एक वन डायमेंशन में, तो लीनियर हो गया। अगर वाई और ले लेते टू डायमेंशनल, और जेड भी ले लेते, आर ले लेते तो थ्री डायमेंशनल, जब थ्री डायमेंशनल होता तो वही आइसोट्रोपिक ऑसिलेटर हो जाता। आर जब लेते ए पार्टिकल और बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM is known as harmonic oscillator. उसे हम क्या कहते हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर। T की वैल्यू हाफ एम बी स्क्वायर, एम से मल्टीप्लाई एम से डिवाइड, एम बी का होल स्क्वायर अपॉन टू, एम बी का मतलब पी स्क्वायर अपॉन टू, पोटेंशियल एनर्जी वी बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, हैमिल्टोनियन एच बराबर टी प्लस वी, टी की वैल्यू पी स्क्वायर अपॉन टू, v की वैल्यू हाफ के एक्स स्क्वायर, v की वैल्यू हाफ के एक्स स्क्वायर। ये आपके अब आपने रिलेशन पढ़ा pj डॉट बराबर माइनस देवर h अपॉन qj, माइनस देवर h अपॉन qj। तो अब आपने pj डॉट की जगह p डॉट ले लिया और ये ले लिया माइनस देवर h अपॉन देवर h, मतलब qj की जगह यहां x है,
और पीजे की जगह यहां पी है, तो पी डॉट बराबर माइनस डीवर एच अपॉन डीवर एक्स, पी डॉट बराबर माइनस डीवर अपॉन डीवर एक्स, एच की वैल्यू पी स्क्वायर अपॉन टू एम हाफ की एक्स स्क्वायर, हाफ की एक्स स्क्वायर, तो पी डॉट बराबर, अब यहां से कर लिया ये अलग था, इसको डाल दिया जाए इक्वेशन फाइव, ये अलग लिखो सिक्स, मिल सा गया ठीक है। तो आपका P डॉट का मान एम एक्स डबल डॉट, इसको जरा डिफरेंशिएट करिए, P डॉट माइनस डेवर अपॉन डेवर एक्स P स्क्वायर अपॉन टू हाफ की एक्स स्क्वायर ठीक है। P डॉट की वैल्यू एम एक्स डबल डॉट ठीक है, माइनस चल रहा है ठीक है, ये हुआ जाके जीरो बाई पी जीरो टू एम, तो ये बचा जाके माइनस में वन बाई टू के एक्स का टू एक्स, तो एम एक्स डबल डॉट माइनस के एक्स, एक ही तरफ ले आइए एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स बराबर टू, एक्स डबल डॉट का मतलब डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, एम से डिवाइड कर दीजिए, एम से डिवाइड कर दीजिए, तो एम से डिवाइड कर दिया तो वन एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर के अपॉन एम इन टू एक्स, के अपॉन एम को क्या माना ओमेगा स्क्वायर, तो इक्वेशन बन गई डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर, ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन किसकी एस एच है। इक्वेशन ऑफ आ गया वही तरीका है अलग ठीक है। दूसरा हमने कौन सा कहा था, सिंपल पेंडुलम, हो गया
आ गया। यहां रख दिया एम एक्स डबल डॉट, इसका किया पी स्क्वायर अपॉन टू एम का जीरो, हाफ के एक्स स्क्वायर टू एक्स, ये कट गया के एक्स, इधर ले आए एम से डिवाइड किया एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर के अपॉन एम इंटू के अपॉन एम को ओमेगा स्क्वायर डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर जीरो। दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच। अब आइए सिंपल पेंडुलम, दो बताएंगे बस, सिंपल पेंडुलम। सिंपल दूसरा एप्लीकेशन, बॉब है जिसका मास एल है, लेंथ एल है, ये ओ ले लिया, ये ए ले लिया, ठीक। ठीक है, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, थीटा है। सिंपल पेंडुलम क्या है, एक मास को, ठीक है, एक एम मास को, बॉब को आपने क्या किया, एक इनएक्सटेंसिबल वायर से अटैच कर दिया और उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल पेंडुलम, ठीक है। ए लाइट वेटेड बॉब, बॉब 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 कनेक्टेड विथ इनएक्सटेंसिबल वायर, वायर इनएक्सटेंसिबल वायर inextensible wire, a light weighted bob connected with inextensible wire, connect कर दिया inextensible wire से, and fixed at rigid support, fixed at rigid support, rigid support, fixed at rigid support, तो क्या बन जाता है, सिंपल पेंडुलम, ठीक है। देन सिंपल पेंडुलम इज फॉर्म, इज फॉर्म ए लाइट वेटेड बॉब, एक हल्का बॉब कनेक्ट कर दिया इन एक्सटेंसिबल वायर, ना बढ़ने वाले वायर से, and fixed at rigid support, और fix कर दिया rigid support से, तो बन गया simple pendulum। अब देखिए kinetic energy, kinetic energy t बराबर half mv square
ठीक है, v की वैल्यू r ओमेगा होती है, v बराबर आपका r ओमेगा, तो v लिया r की जगह l, ओमेगा की जगह थीटा डॉट, ठीक है, l थीटा डॉट ले लिया, l थीटा डॉट, ठीक है भाई, ओमेगा का मान d थीटा अपॉन d थीटा, ओमेगा की वैल्यू थीटा, तो v बराबर l थीटा, v बराबर l, काइनेटिक एनर्जी t की वैल्यू, टी की वैल्यू हाफ एम वी की जगह एल थीटा डॉट का स्क्वायर, तो टी की वैल्यू हमने वहां भी वैसे ही बताया था, टी की वैल्यू दोबारा इसीलिए बता दिया गया आपको, फिर दोबारा मुझसे पढ़ लीजिए, तो टी बराबर हाफ एम एल स्क्वायर थीटा, हाफ एम एल स्क्वायर थीटा, पोटेंशियल एनर्जी वी बराबर एम जी एच होती है, एनर्जी वी बराबर एम जी एच, एच की जगह ये लीजिए एसी, तो वी बराबर एम जी एच की जगह एसी, एसी की वैल्यू कैसे आएगी, एसी बराबर ठीक है ओए माइनस ओसी, ओए माइनस ओसी, ओए की वैल्यू है एल, ओसी की वैल्यू निकाल लें, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर ओसी अपॉन हाइपोटेनियस ओबी, साइन थीटा बराबर ओसी, ओसी बराबर एल साइन, ओसी बराबर एल साइन, ओसी बराबर एल साइन, तो एसी बराबर ओए का मान है एल, ओसी का मान एल, तो AC बराबर L 1 माइनस cos θ, AC बराबर L 1 माइनस cos θ। अब पोटेंशियल एनर्जी V की, पोटेंशियल एनर्जी एम जी ए सी, एम जी ए सी का मान है एल वन माइनस कॉस, तो वी बराबर एम जी एल वन माइनस, कॉस थीटा ही तो लगा लगाया गलत, लिख साइन थीटा गए, अरे लिखा यहां कॉस थीटा ही है, कॉस थीटा बराबर ओसी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, लिखने में गलती हो गई, कॉस थीटा लगेगा भाई, लिखा भी मैंने वही है ना, तो ये हो गया बी की वैल्यू। अब एक बार देख लीजिए, तो जब ये पढ़ना हार्मोनिक ऑसिलेटर लैग्रेंजियन पढ़ना, फिर हार्मोनिक ऑसिलेटर हैमिल्टोनियन पढ़ना, तो अंतर ध्यान रहेगा, ये सिंपल पेंडुलम पहले लैग्रेंजियन का फिर हैमिल्टोनियन का, ठीक है, तो आपको बढ़िया रहेगा, कंफ्यूजन नहीं आएगा।
वहां पे हमने नहीं लिखी थी डेफिनेशन, यहां पे लिख दिया है। एक लाइट वेटेड बॉब, हल्का बॉब, आइडियल वे में तो ये कहते हैं मासलेस। तो एक लाइट वेटेड बॉब को कनेक्ट कर दीजिए इनएक्सटेंसिबल वायर, वृद्धहीन वायर से, जिसमें वृद्धि ना हो रही हो उस वायर से, इनएक्सटेंसिबल वायर, एंड फिक्स्ड एट रिजिड सपोर्ट, और फिक्स कर दीजिए रिजिड सपोर्ट से, एंड फिक्स्ड एट रिजिड सपोर्ट, देन सिंपल पेंडुलम इज फॉर्म। तो क्या बन जाता है? सरल लोलक। काइनेटिक एनर्जी टी की वैल्यू हाफ एम बी स्क्वायर, वी का मान आर ओमेगा, ओमेगा का मान डी थीटा अपॉन डी टी, दैट इज थीटा डॉट। ठीक है, तो वी बराबर एल थीटा डॉट। काइनेटिक एनर्जी टी बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, तो हाफ एम वी की जगह एल थीटा डॉट का स्क्वायर, ये हो गया। तो टी बराबर हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट। अब बुकों में देखोगे डायरेक्ट लिखा रहता है टी बराबर हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर। आया कैसे वो ये समझे, पोटेंशियल एनर्जी वी बराबर आपकी एम जी एच, तो एम जी एल वन माइनस कॉस थीटा लिखा रहता है। कैसे आया वो मैंने बताया कि पोटेंशियल एनर्जी वी बराबर एम जी इंटू ये हाइट, हाइट की वैल्यू क्या है ए सी, ए सी का मान ओ ए माइनस ओ सी, ओ ए का मान एल, ओ सी का मान एल, इधर ले लिया वन माइनस एल, तो v बराबर एम जी, ये एल वन माइनस एम जी एल वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए हैमिल्टोनियन एच, हैमिल्टोनियन एच हैमिल्टोनियन एच बराबर टी प्लस वी, टी प्लस वी, टी का मान हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, वी का मान एम जी एल वन माइनस कॉस, एम जी एल वन माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहां पी नहीं बनाया, मैं पी बनाना चाह रहा हूं। एंगुलर मोमेंटम, देखो एंगुलर मोमेंटम जे बराबर एम आर स्क्वायर, जे बराबर पी आर, जे बराबर पी आर। ठीक है, पी की वैल्यू एक मिनट देखिएगा, एम वी इंटू आर, वी की जगह आर ओमेगा रखते हो,
तो जे बराबर आर ओमेगा इंटू आर, तो जे बराबर एम आर स्क्वायर ओमेगा। ओमेगा का मान थीटा डॉट। अब जरा इसे एंगुलर मोमेंटम को ऐसे करना है, इसकी जगह पी थीटा ले लिया, एंगुलर मोमेंटम को पी थीटा से दिखा लिया, मास एम है, ठीक है, आर की जगह एल है, आर की जगह एल है एल स्क्वायर, और ये क्या हो गया थीटा, पी थीटा बराबर एम एल स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो थीटा डॉट बराबर पी थीटा अपॉन एम एल स्क्वायर, पुटिंग इन इक्वेशंस। Putting in equation 6, ठीक है, तो H बराबर हाफ एम एल स्क्वायर एम जी एल, एम जी एल वन माइनस cos थीटा, ये रखोगे तब वो फॉर्म बनेगा। तो H बराबर हाफ एम एल स्क्वायर पी थीटा अपॉन एम एल स्क्वायर का होल स्क्वायर एम जी एल वन माइनस कॉस। H बराबर हाफ एम एल स्क्वायर एम स्क्वायर एल की पावर फोर एम जी एल वन माइनस कॉस, तो एम से स्क्वायर कट जाएगा एल, तो ये हो जाएगा पी थीटा अपॉन एम एल स्क्वायर। एच का मान, एच का मान पी थीटा अपॉन टू एम एल स्क्वायर, टू एम एल स्क्वायर एम जी एल वन माइनस कॉस। एम जी एल वन माइनस कॉस, ठीक है। H बराबर P थीटा स्क्वायर एम एल स्क्वायर एम जी एल वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा क्योंकि रोटेशनल है ना। देखो लीनियर मोमेंटम होता है जब लीनियर मोशन होता है, और एंगुलर मोमेंटम होता है जब एंगुलर मोशन होता है। तो ये यहीं तक रखो आज, क्योंकि ये थोड़ा सा अगली बार फिर से बता देंगे तो आ जाएगा, ठीक है, बस करो आज। अब संडे वाली क्लास और आज वाली क्लास अभी डाउनलोड करके हम आपको भेजना है, ठीक है, कल वाली भेज दी।